Good morning students, today we will do question answers of chapter number 4 changing homes. बच्चों आज हम करेंगे chapter number 4 के question answers, ठीक है? तो बच्चों इसमें आपको मैंने B, C, D करवा दिया था book work, ओके? तो बच्चों A और E बच रहा था हमारा, तो आज हम A करेंगे और कल हम E करेंगे. तो A में बच्चों 5 questions है, but सेकेंड और 5 क्वेश्चन रिपीट है, दोनों सेम है, तो 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है? तो हाफ हम आज करेंगे और हाफ हम कल करेंगे, ओके? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. सबसे पहले आपको डालना है चैप्टर नंबर 4 चेंजिंग होम्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके? चलिए, मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन अ कच्चा एंड अ पक्का हाउस. बच्चों आपको 3 अंतर बताने हैं कच्चे और पक्के घर में. कच्चा घर कैसा होता है और पक्का घर कैसा होता है, हमें आपस में तुलना करनी है, ठीक है? चलिए, हमें डिफरेंस बताना है. तो आंसर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पार्टीशन करेंगे, एक तरफ लिखेंगे कच्चा हाउस और दूसरी साइड पक्का हाउस, ठीक है बच्चों? तो जिस तरीके से मैंने लाइन टू लाइन लिखा है, आपको भी ऐसे ही करना है, ऊपर नीचे ना करें वरना वो अच्छा नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कच्चा हाउसेस. आंसर, दीज हाउसेस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस, कच्चे घर मजबूत नहीं होते हैं, है ना? और पक्का हाउस में क्या आएगा, These houses are strong and last for a long time. ये हाउस कैसे होते हैं, पक्के घर, ये मजबूत होते हैं और सालों तक चलने वाले होते हैं. They have to be repaired very often. इन्हें time to time repair कराना पड़ता है किन्हें, कच्चे घरों को, क्योंकि ये कच्चे material से बने होते हैं. They do not need to be repaired often. इनको repair कराने की ज़रूरत नहीं है. Repair सुधरवाना या फिर किसी चीज़ को दोबारा बनाना. कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू लीव्स और ग्रास. कच्चे घर किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, मिट्टी, घास और पत्तों से. पर पक्का हाउस किससे बनाए जाते हैं, मेड ऑफ, पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों से, आयरन, लोहे से एंड स्टील, और स्टील से, सभी मजबूत चीज़ों से. और जो कच्चा हाउसेज है वो किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, सभी वीक चीज़ों से, है ना, चीप मटेरियल से. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू वी सी सो मैनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इन सिटीज़. हम देखते हैं कि शहर में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बहुत सारी होती है, ऐसा क्यों होता है वो हमें बताना है, कि हम शहरों में ही मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स देखते हैं. देखिए, वी सी सो मैनी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स इन सिटीज़. हम शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स देखते हैं क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिव देयर विद मॉडर्न फैसिलिटीज़. क्योंकि उन बिल्डिंग्स में 100 से भी ज़्यादा लोग एक साथ रह सकते हैं, और सिटी की जो पॉपुलेशन होती है बच्चों, वो ज़्यादा होती है गाँव की अपेक्षा, है ना? तो उनके लिए वो एक बिल्डिंग बहुत सारे जनों के लिए रहने का स्थान होती है, प्लेस होता है. और उसके साथ ही साथ, रहने के साथ साथ उन्हें क्या मिलती है, मॉडर्न फैसिलिटीज़. उन्हें नई फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लाइक पार्क, है ना, पार्क वगैरह, सिक्योरिटी सिस्टम एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें. दिस मेक्स लाइफ ईजी फॉर देम हु लिव देयर. जो लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए जीवन काटना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़, शॉप, मार्केट, सब उन्हें अपनी बिल्डिंग में ही मिल जाता है. इसलिए शहरों में मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ज़्यादा होती है. 1, 2 हो गया है बच्चों. अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज वर बिल्ट इन ओल्डन टाइम्स. पुराने ज़माने में किस प्रकार के घर बनते थे या होते थे. हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स. पुराने ज़माने में कैसे बनते थे, किस चीज़ों से बनते थे, ब्रिक्स, ईंटों और लकड़ियों से. इन ओल्डन टाइम्स दे हैड हाई सीलिंग्स. बड़ी बड़ी सीलिंग्स होती थी, लार्ज विंडोज़, बड़ी खिड़कियाँ, वेंटिलेटर्स,
huge courtyards, बड़े आंगन, and spacious rooms, और बड़े बड़े कमरे. सभी चीज़ों में बहुत सारा स्पेस हुआ करता था. हर चीज़ बड़ी और लंबी हुआ करती थी. कहाँ पर? पुराने ज़माने के घरों में. और किसके द्वारा बनते थे? लकड़ी और ईंटों के द्वारा, ठीक है. और लाइट्स नहीं होती थी तो लैंप्स जलाते थे, तेल के दीपक जलाते थे, लालटेन का यूज़ करते थे और चूल्हे में खाना पकाते थे. तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया है. अब देखिए, कल हम क्वेश्चन नंबर फोर और ई करेंगे, ठीक है. तो आपका ये अभी इनकम्प्लीट है. 1, 2, 3 तो आप कर लें आज. कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ई के 2 क्वेश्चन, ठीक है. तो 3 आज हो गए, 3 कल हम करेंगे. इन्हीं के आगे से आपको करना है कल का वर्क भी. ओके, थैंक यू सो मच.